Good morning, student. I am Ravi Singh, your science teacher. Once again, present here to teach you one of the important chapter of class 10, that is life process. In last few classes, we have already studied about the introduction of life process, nutrition, etc. And I hope you all memorize it also. So let's continue our topic. The next topic is nutrition in plants. Nutrition in plants. Kaisa hoga plants ka nutrition? Kaisa hoga? Heterotrophic hoga ya autotrophic hoga? Plants kaise banata hai khana? Autotrophic khud se banata hai. To kya hoga? Chaliye pehle dekhte hain hoga kya. Green plants prepare their food by autotrophic process. Space process. Green plants जो भी हैं वो क्या करते हैं? Autotrophic process से अपना खाना बनाते हैं. उस प्रोसेस को स्पेशली हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट में कोई पूछेगा आपसे कैसा न्यूट्रिशन होता है तो कौन सा मोड? तो ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक. ऑटो मतलब खुद, ट्रॉपस मतलब नरिशमेंट. तो प्लांट जो है वो तो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, तो उसका जो मोड है वो ऑटोट्रॉपिक है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें समझना है चीजों को. ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा सभी आदमी. होता क्या है फोटोसिंथेसिस? देखिए फोटोसिंथेसिस आप लोग जूनियर क्लासेस में, हमको लगता है पांचवें छठे क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. ये प्रोसेस है रटारट आया हुआ जिसमें तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है, ये तो पता ही होगा सबको. तो उस चीज को भी यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट करना है, थोड़ा सा इसको डिटेल में चीजों को पढ़ना है. फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है, ये इसका रिएक्शन क्या है, ये कैसे ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इन चीजों को ध्यान देना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा. ठीक है, तो है क्या, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका क्या है. It is a photochemical process in which carbohydrates are formed from simple inorganic materials such as carbon dioxide, water, light, etc. देखिए समझना है क्या फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है क्या? सिंपल सा प्लांट का एक ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है. तो खाना बनाएगा किस फॉर्म में? हम ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो या कुछ भी हो, ह्यूमन में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो प्लांट में भी क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट. तो प्लांट में उसको क्या बोलते हैं स्पेशली? स्टार्च बोलते हैं. तो देखिए फोटोसिंथेसिस है क्या, ये एक प्रोसेस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है. व्हाई फोटोकेमिकल? फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स केमिकल प्रोसेस. ये कॉम्बिनेशन होता है लाइट और केमिकल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ में लाइट रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? केमिकल रिएक्शन में. मतलब कॉम्बिनेशन है. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस इन विच बनेगा क्या? खाना बनेगा. खाना बना मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स.
आर फॉर्म फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। किस चीज से बनेगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट इटीसी। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको भी पता होगा, प्लांट का एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाता है। तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेगा? सॉयल से ले लेगा, और लाइट तो है ही, क्लोरोफिल तो होता ही है, इसके प्रेजेंस में क्या करता है? खाना बनाएगा। तो खाना बनेगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। किस चीज से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज CO2, वाटर, लाइट इत्यादि। इस रिएक्शन में क्या होता है? खाना तो बन गया, ऑक्सीजन का चर्चा तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो ऑक्सीजन क्या है? इस रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है, मतलब एक समझिए तो वो वेस्ट मटेरियल की तरफ प्लांट क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, अब यहां से जो इसका रिएक्शन जो है, इस चीजों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक। तो यहां से कॉन्सेंट्रेट करके समझ, यहां तक तो आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुईगा। अब इसका रिएक्शन होता क्या है, देखिए ध्यान में रखना है याद करने के लिए, कि आप बचपन से पढ़ते आए होइएगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देता क्या है? ऑक्सीजन। लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देता क्या है? ऑक्सीजन। कैसे याद रखना है? यहां पे लिख लेना है, इधर वाला क्या होता है? लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? रिएक्टेंट। इधर वाला प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो लेता है, देगा क्या? ऑक्सीजन। लिख लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसको क्या चाहिए? और वाटर। क्या चाहिए? वाटर। वाटर कहां से लेगा? सॉइल से, जमीन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीज मिल गया। साथ में क्या होगा? साथ में क्या होगा? सनलाइट। और क्या होगा? लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देगा क्या? ऑक्सीजन। वाटर इसको चाहिए ही, सनलाइट में ही क्या? क्लोरोफिल होगा ही। बनेगा क्या? अभी ने बताया कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्लांट का भोजन, उसको क्या बोलते हैं? C6H12O6। This is what? कार्बोहाइड्रेट। या क्या है ये? ग्लूकोज है। क्या ये? ग्लूकोज है। ये बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन बनेगा और वाटर भी बनेगा। यही रिएक्शन है, इसको याद रखना है, इसको बैलेंस भी कर लेना है। बैलेंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेना है बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे नाइन्थ में शायद बताया होंगे, कार्बन कितना है यहाँ पे? 6। यहाँ पे इस साइड कार्बन कितना है? 6 है। इस साइड कार्बन कितना है? 6 है। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है टोटल? ये 12 और ये 12, कितना? 24। इधर भी ऑक्सीजन 24 होना चाहिए। ये कितना हो गया? 6 और ये 12, 6 18 और 6 24। ठीक है, अब क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 24। यहाँ पे कितना? 12 और 6 दुना 12, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड भी 24, यहाँ भी 6, 24 और 24। तो दोनों क्या है? बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन में होता क्या है, प्लांट करता कैसे रिएक्शन, ये होता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक नया टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, इस चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, या इसी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। देखिए जो इधर वाला बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये वाला जो लेफ्ट साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी है, वाटर कंपलसरी है, सनलाइट कंपलसरी है, क्लोरोफिल कंपलसरी है। तो
तो कह सकते हैं ये सब चीज क्या है, रॉ मटेरियल है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। कोई घर बनाना होगा तो बिना ईटा, बिना ईंट के, बिना सीमेंट के, बिना बालू के घर बनेगा क्या? नहीं। ये जो ईंट हो गया, बालू हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये क्या होगा, रॉ मटेरियल। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा घर बनेगा। सेम चीज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सनलाइट, ये क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल है। इन सब चीज से प्लांट का एम क्या है, एम क्या है, एम तो है खाना बनाना, और दिस इज खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं इसको रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगा। इसमें सबसे पहला क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, अफेक्ट करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, प्लांट लेगा कैसे लेगा और आएगा कहाँ से, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्लांट का ये सपोज करना है एक लीव्स है, ठीक है, प्लांट साइड लीव्स है, प्लांट साइड ये लीव्स है। तो वैसा प्लांट का एक लीव्स है तो पहले भी बताए होंगे, जो ऊपर वाला फेस, एक फेस होता है जिसपे सनलाइट आके डायरेक्ट इस पे क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, सनलाइट डायरेक्ट इसी पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाले फेस को बोलते हैं अपर लैमिला। और ये मान लो अगर कोई लीव्स है तो इसके नीचे वाला एक फेस होगा, ये वाला फेस, तो सनलाइट अगर इस पे आ रहा है तो नीचे वाला तो क्या होगा, शैडो होगा वहां पे। तो ऊपर वाला फेस, वैसा फेस जो सनलाइट को डायरेक्ट फेस कर रहा है, उसको बोलते हैं अपर लैमेला, और इसके जस्ट नीचे वाले फेस को बोलते हैं लोअर लैमेला। क्या बोलते हैं, लोअर लैमेला। तो है क्या यहाँ पे, ये जो अपर लैमेला है, ये वाला अपर लैमेला पे सनलाइट डायरेक्ट फेस करता है और लोअर लैमेला पे क्या करता है, फेस नहीं करता। तो लोअर लैमेला में छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स पाए जाते हैं, इस स्पोर्स को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटा। मतलब लीव्स के लोअर लैमेला पे, वैसे ऐसा पार्ट जहां पे सनलाइट नहीं पड़ता हो, नीचे वाला पार्ट पे छोटा छोटा पोर्स पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटा बोलते हैं। इस स्ट्रोमाटा के बगल में ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल है, ये इसको हेल्प करता है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल। यही गार्ड सेल इस स्टोमाटा को ओपन करेगा और क्लोज करेगा, ओपन और क्लोज करेगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा आंसर क्या होगा, गार्ड सेल। डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, इस पर अभी नहीं फोकस करेंगे, ठीक है। आपको बस इतना जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फेयर में तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमोस्फेयर में, लेकिन प्लांट उसको लेगा कैसे, तो लीव्स के लोअर लैमेला पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा, इसी पोर्स के थ्रू एयर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। वाटर क्या है, वाटर कैसे ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाय स्टोमाटा फ्रॉम एटमोस्फेयर। अब वाटर कैसे लेगा, नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ी होइएगा कि जो वाटर तो लैंड के सॉइल के नीचे है ही, उसको एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, जाइलम टिश्यू। वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा और ऊपर की तरफ पहुंचा देगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के पूरे रिएक्शन में जितना जो वाटर ऑब्जर्व होता है, ये जितना वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, उसका केवल और केवल 1% जो होता है वही इस रिएक्शन में यूज होता है, बाकी का बाकी फिर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
केवल 1% वाटर का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, 99% फिर वापस क्या हो जाता है, मतलब वो यूज होता ही नहीं है इस रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। एक और चीज बचा लास्ट में, क्या बचा? सनलाइट। सनलाइट अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो ये होगा क्या रिएक्शन? हो ही नहीं सकता। सनलाइट में दो तीन चीज बात ध्यान में रखना है, एक इंटेंसिटी, एक दूसरा क्वालिटी और तीसरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तीन चीज तक ध्यान देना, ठीक है। तीसरा जो है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट का क्या यूज है अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे यूज क्या होता है। ये जो वाटर जो है ना, ये वाटर जो है जो एब्जॉर्ब होके जाइलम की मदद से ऊपर तक आया है, इसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ये सनलाइट इस वाटर को तोड़ेगा तो ये वाटर जो है H प्लस आयंस में टूट जाएगा, ब्रेक करेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं। क्या काम है सनलाइट का? सनलाइट का मेनली स्पेशली रोल क्या है, इस वाटर को वो तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। और जैसे ही वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ध्यान देना है इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। लेकिन ये जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में जो हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है, ये हमेशा किस चीज से टूटने से होता है, वाटर से। और वाटर टूटेगा कैसे, सनलाइट से। सनलाइट क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट करेगा, एच हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का टूट जाना किस चीज से, सनलाइट से, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखिए कौन कौन सा फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, एटमोस्फियर से, लेगा कैसे, स्टोमाटा से। स्टोमाटा होता क्या है, पोर्स प्रेजेंट इन द इनर लैमेला या लोअर लैमेला ऑफ लीव्स। दूसरा है वाटर, वाटर होगा क्या, वाटर है क्या, एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है प्लांट्स के लिए, जो आएगा कहाँ से, जाइलम से। आ रहा है बस दो मिनट, जाइलम से कहाँ से आएगा ये, सॉरी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम करेगा। कितना परसेंट यूज होगा, 1%। और तीसरा है सनलाइट, सनलाइट में आता है इंपॉर्टेंट चीज इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन। इंटेंसिटी में क्या होगा, PAR, क्लास 9th में पता होगा आपको, बताए थे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सनलाइट तो बहुत है लेकिन कोई काम का नहीं, मतलब का है ही नहीं, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है उसी से मतलब है। तो उसका इंटेंसिटी अगर हाई होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी हाई होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, हाई होगा। क्वालिटी तो वही सेम चीज होगा, अगर क्वालिटी लाइट का अच्छा है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अच्छा है। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मान लीजिए बरसात का मौसम है, 2 घंटे के लिए सनलाइट दिखाई पड़ा और पूरे दिन बादल लगा हुआ, बादल छाया हुआ है, तो जब पूरे दिन बादल है तो सनलाइट मिलेगा क्या प्लांट को, नहीं मिलेगा। तो उस समय फोटोसिंथेसिस सही से हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या हो गया, घट गया। मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट जितना ज्यादा देर तक होगा उतना अच्छा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। इंटेंसिटी और क्वालिटी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जो लाइट में कितने कलर के होते हैं, 7 कलर के होते हैं, बेसिक कलर 7 हो गया। इसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है, रेड में, सबसे ज्यादा रेड में, और सबसे कम किसमें होता है, ग्रीन में। मतलब ग्रीन जो है कंपोनेंट है उसमें सबसे कम होगा क्या, फोटोसिंथेसिस में वो सबसे कम सपोर्ट करेगा, और सबसे मैक्सिमम किसका यूज होगा, रेड लाइट का। आज रहने देते हैं इतना ही, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन 2 मिनट का। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रॉ मटेरियल, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अब देखिए क्लोरोफिल का काम क्या है, एक चीज और छूट गया, क्लोरोफिल का काम क्या है, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को क्या करेगा, अब क्या करेगा, लीव्स की तरफ खींचेगा, क्या करेगा, लीव्स की तरफ खींचेगा। आ गए बस दो मिनट, ये क्या करेगा, दून अपनी तरफ खींचेगा, कौन, क्लोरोफिल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल हियर, टू ट्रैप द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन टुवर्ड्स द लीव्स, टुवर्ड्स द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ जाएगा पता है आपको, वाटर कहां से आ जाएगा पता है, सनलाइट के बारे में भी पता है। आज रहने देते इतना ही, थैंक यू।
फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कल।